हेलो दोस्तों, अगर आप इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसके लिए आपको सिर्फ दो फोटो की ज़रूरत होगी, पहली अपनी खुद की फ़ोटो कुछ इस तरह से खींची हुई, दूसरी ये वाली फ़ोटो। चलिए शुरू करते हैं। जाएंगे यहाँ शेयर में, शेयर में जाने के बाद जाएंगे पिक्सार्ट में। हम यहाँ स्लाइड करेंगे, जाएंगे ड्रो में। ड्रो में जाने के बाद जाएंगे यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट, उसमें फोटो, फिर वहाँ से हम अपनी दूसरी वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, फिर कहीं भी अपने डिस्प्ले पे टच कर लेंगे। फिर जाएंगे यहाँ लेयर में, अपनी फोटो को थोड़ा जूम इन कीजिए फेस की तरफ, ओपेसिटी को 10% या 20% जितना रखे, या लेयर एक्शन उसमें ट्रांसफर, वो अपनी फोटो को सेट करो उसकी जगह पे। बाद यहाँ से डन कर लेंगे, फिर लेयर पैनल को यहाँ से क्लोज करेंगे। जाएंगे इरेजर में, इरेजर में जाने के बाद साइज सिलेक्ट कर लेंगे इरेजर की, मोटी या पतली, फिर यहाँ से सेट कर लेंगे। फिर जो बाहर का हिस्सा है उसे इरेज करेंगे। Thank you.
एक्सपोजर में ओपेसिटी को 50% जितना रख लेंगे, फिर यहाँ पे जाके हार्डनेस को 0 पे रख लेंगे, तो सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर जाएंगे यहाँ लेयर में। लेयर में जाने के बाद ओपेसिटी 100% कर लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे नॉर्मल, उसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे मल्टी। मल्टी सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरी वाली लेयर है उस पे जाएंगे, उसे कॉपी करेंगे। उसके लिए जाएंगे यहाँ लेयर एक्शन और कॉपी। कॉपी करने के बाद जाएंगे दूसरे लेयर पे, जाएंगे लेयर एक्शन, उसमें जाएंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद उसे पहले नंबर पर रख लेंगे, लेयर पेना को क्लोज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फोटो तैयार हो चुकी है, जाएंगे यहाँ पे डन। फिर जाएंगे यहाँ से दोबारा डन और फिर गैलरी, फोटो सेव हो चुकी है।